दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोहित के बाद अक्षर और जडेजा की विस्फोटक बैटिंग के आगे बेबस हुआ सितारों से सजा श्रीलंका। अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से इन तीनों ने मचाया हाहाकार, लिख दिया नया इतिहास। तो अंत में जसप्रीत बुमराह ने लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़कर ऐसा तांडव मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। तो आखिर कैसे पहले दिन ही भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में उड़ गया श्रीलंका? उनकी खतरनाक बैटिंग से लेकर जसप्रीत बुमराह का वो चमत्कार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि T20 के बाद वनडे सीरीज जीतकर श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी तो क्या फैन तक ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दमदार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम भारत के सामने पहले टेस्ट के पहले दिन घुटने टेक जाएगी। जी हां, आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उसके बावजूद श्रीलंकाई खिलाड़ी हंस रहे थे। उनके गेंदबाजों को लगा था कि वो भारतीय टीम को जल्द से जल्द आउट करने के काबिल हैं, पर दोस्तों गेंदबाजों को कुचलना किसे कहते हैं, ये कोई भारत के युवा खिलाड़ियों से सीखे। हालांकि शुरुआत में तो टीम इंडिया को 2 बड़े झटके लगे। विराट और यशस्वी 10 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हमारी टीम मुश्किल में थी, लेकिन फिर मैदान में उतरे T20 और वनडे सीरीज के हीरो अक्षर पटेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो करिश्मा कर दिखाया जिसके कारण उनका पूरी दुनिया में नाम हुआ था। जी हां दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने आते विकेट के सामने तीसरा तीर की तरह खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से अपना खाता खोला। उन्होंने अपने तेवर गेंदबाज को दिखा दिए थे, बस फिर क्या था, जब आगाज इतना शानदार हो तो अंजाम की क्या ही बात करें। एक बार फिर हमें विस्फोटक रोहित की लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना देखने को मिला, जहां उन्होंने एक के बाद एक चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया पता ही नहीं चला। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी से पूरा स्टेडियम जहां मोहित था, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े अक्षर पटेल भी दंग रह गए थे। हालांकि जब तक रोहित गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे, तब तक अक्षर ने खामोशी से केवल उनके बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया, एक छोर संभाले रखा। लेकिन जब उनका बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तब माहौल देखने लायक था। रोहित के साथ मिलकर अक्षर ने लंकाई गेंदबाजों को ऐसा दर्द दिया जैसे भुला पाना उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी हाँ, रोहित ने महज 40 गेंद पर 4 चौकों और 3 खतरनाक छक्कों की बदौलत अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद आया अक्षर नाम का तूफान, जिसने श्रीलंका को सूखे पत्तों की तरह उड़ा दिया। अक्षर ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए महेश तीक्ष्णा की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और फिर एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अक्षर ने एक नई जान फूंक दी थी। इसी दौरान अपने खौफनाक अंदाज का नजारा दिखाते हुए अक्षर ने कई ऐसे दर्शनीय शॉट लगाए थे जिसे देखकर तो रोहित से लेकर हजारों फैंस भी खुद को उनके लिए तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। गेंदबाजों के चेहरे पर इन दोनों का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता था। श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा ने इन्हें रोकने का हर एक प्लान अपना लिया था, लेकिन ये दोनों तो उस पर पानी फेरते हुए नया इतिहास लिखने की ठान कर मैदान में उतरे थे। दोस्तों इन दोनों ने तो अपनी बल्लेबाजी से समा बांध दिया था। अक्षर पटेल ने तो रोहित से भी 2 कदम आगे निकलते हुए केवल 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर मैदान में तहलका मचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने श्रीलंका को मैच से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। 2 सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। कसुन रचिता लहरू कुमारा से लेकर कमिंडो मेंडिस सभी की जमकर पिटाई करते हुए कप्तान रोहित तो अपने शतक की तरफ कदम बढ़ा चुके थे। हालांकि उनका यह सपना साकार नहीं हो पाया और 80 गेंदों में 98 रनों की तूफानी पारी से ही रोहित को संतोष करना पड़ा। लेकिन इस दौरान उन्होंने 7 ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए थे जिन पर श्रीलंका की तबाही लिखी हुई थी। रोहित का विकेट गिर जाने के बाद श्रीलंका ने चैन की सांस ली थी। उन्हें लगा था कि उन्होंने अच्छी वापसी कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ अक्षर पटेल के साथ मिलकर बैटिंग करने आए रविंद्र जडेजा ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षर पटेल तो आज नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे। इस खिलाड़ी के पास मौका था टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक जड़ने का। हालांकि इसी दरमियान अक्षर पटेल आउट होने से बाल बाल बचे थे, लेकिन दोस्तों सल्यूट इस खिलाड़ी को, उन्होंने हार नहीं मानी और कप्तान रोहित का बल्ला बदला लेते हुए उन्होंने कमिंडो मेंडिस के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का बटोर कर टेस्ट मैच में अपना पहला इंटरनेशनल शतक पूरा कर लिया और पूरी दुनिया को बताया कि वो एक भूखे शेर की तरह है जो किसी भी पल किसी को भी तहस नहस करने का दम रखते हैं। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने केवल 78 गेंद खेली थी जिसमें उन्होंने 113 रन ठोक डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 4 खतरनाक चौके भी निकले।
उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो अब श्रीलंका जहां टीम खून के आंसू रो रही है, तो रविंद्र जडेजा की बैटिंग तो देखने लायक थी। जब वो बैटिंग करने आए थे तब थोड़े धीमे अंदाज में उन्होंने शुरुआत की थी, वो दबाव में नजर आ रहे थे, लेकिन इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाते हुए ये खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया और पहले दिन उन्होंने टीम इंडिया को ऑल आउट नहीं होने दिया। दूसरी तरफ से भले ही विकेट गिरते रहे लेकिन वो टस्सेमस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में 55 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इस दरमियान 2 छक्के और 5 चौके भी उनके बल्ले से निकले और अंत में जब जडेजा आउट हो गए, भारत का केवल 1 विकेट बचा हुआ था। इस वक्त बैटिंग में उतरे जसप्रीत बुमराह ने वो करिश्मा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां दोस्तों, बैटिंग करने आए बुमराह के दिन के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए दिग्गज गेंदबाज एंजेलो मैथ्यूज की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 5 गेंद पर 5 ऐसे खौफनाक छक्के उड़ाए जिस पर तो खुद गेंदबाज के रोहित कोहली भी गंभीर को भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। इस दरमियान 1 नो बॉल भी हुई थी। उस फ्री हिट का बुमराह ने बखूबी फायदा उठाया और एंजेलो मैथ्यूज के इस ओवर में बुमराह ने कुल 34 रन बटोर कर हर किसी को वो दौर याद दिला दिया जब बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ भी 1 ओवर में 37 रन जड़ दिए थे। आज ऐसे ही खतरनाक बैटिंग बुमराह ने की जहाँ आज उन्होंने जडेजा रोहित अक्षर सबसे लाइमलाइट अपने ऊपर ले ली और पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा जहां 70 रन वो भी केवल 89 गेंद पर बना गए, तो जसप्रीत बुमराह ने भी 12 गेंद पर 40 रन ठोक दिए। उनकी खतरनाक बैटिंग से ही टीम इंडिया 450 रन बना चुकी थी और श्रीलंका के खिलाफ पहले दिन हमने एक अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। श्रीलंका को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनके हाथों से कैसे ये मैच निकल गया। और दोस्तों, उनकी खतरनाक बैटिंग के बाद अब टीम इंडिया आसानी से पहला प्रैक्टिस मैच जीतने वाली है, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। और ऐसा ही एक जबरदस्त घमासान हमें जल्द शुरू होने वाले ऑफिशियल पहले टेस्ट मैच में भी श्रीलंका और भारत के बीच देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम यह पहला टेस्ट मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।